ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵਨਕਮ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮੁਸਕਾਨ ਰਸੋਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੈਸੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਭੀ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਤੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਲੇਕਰ ਆਈ ਹੂੰ ਓਟ ਸੇ ਬਨਾ ਹੁਆ ਡੋਸਾ ਓਟ ਸੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡੋਸਾ ਕੈਸੇ ਬਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਨੇ ਕੀ ਦਾਲ ਕੀ ਚਟਨੀ ਜੋ ਕਿ पर यम्मी टेस्ट रहेगा। हम लोग इडली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डोसा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इवन चपाती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी, सारा वीडियो देखिए। कुछ सजेशंस हैं, कुछ बताना चाहते हो आप या फिर कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हो सजेशन बॉक्स में बता सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के साथ और सारा वीडियो देखने के कि ये वीडियो कैसे रहा। तो ये मैं फोर मेंबर्स के लिए बना रही हूँ दोस्तों। फोर मेंबर्स के लिए 1.5 कप ओट्स ले लीजिए और ओट्स को अच्छे तरह धो लीजिए। धोने के बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर डालकर उसमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक भिगो लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटे के ऊपर या ओवरनाइट भी अगर भिगो के रखोगे आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छे से भीग जाएगा। जब हम लोग पेस्ट बनाएंगे इसका अच्छे से, ये हम लोगों को डोसा बैटर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इंस्टेंट डोसा के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट तक इस तरह मैंने भिगो लिया है। और उसके और इंग्रेडिएंट्स है कि 1 कप राइस फ्लोर, याद रखे फ्रेंड्स, मैं ये राइस फ्लोर अच्छे से चावल धोने के बाद सुखाने के बाद ही पिसवाया है। ये राइस फ्लोर उसमें जाएगा 2 टेबल स्पून छेनी की दाल। डालने के बाद थोड़ा सा 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दीजिए और इसका अच्छा सा बैटर, स्मूथ बैटर बना लीजिए। कहीं भी गूंधे नहीं रहना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, है ना। तो इस तरह अच्छा मिक्स करने के बाद हम लोग ना इसके और इंग्रेडिएंट्स है क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इसको अच्छे तरह मिक्स कर लीजिए और स्मूथ स्मूथ बैटर चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह अच्छे से स्मूथ बैटर बना लीजिए और इंग्रेडिएंट्स है रेडी कर लीजिए। क्या क्या चाहिए हमें, जीरा चाहिए, ठीक है, जिंजर चाहिए, अदरक चाहिए, चिलीज, कोरिएंडर और करी पत्ता, थोड़ा सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए एक मिक्सी जार ले लीजिए, 1 टेबलस्पून जीरा डाल दीजिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च 2 से 3 डाल दीजिए और करी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालकर हम लोग अभी पेस्ट कर लेंगे। ये जैसे आपको टेस्ट, ज़्यादातर ये ओट्स जो हम लोग खाते हैं ना, अच्छा है ये स्लिमिंग के लिए, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप वेट लॉस के लिए देख रहे हो तो ध्यान रखें सॉल्ट थोड़ा कम खाइए दोस्तों। तो ये मैं बना रही हूँ सुपर सुपर इंस्टेंट डोसा। देखिए अच्छे से भीग चुका है ये ओट्स, पानी सारा ऑब्जर्व कर लिया है ओट्स ने, तो उसको हम लोग पीसेंगे लेकिन अभी नहीं। पहले हम लोग ये जो है हरी मिर्च का जो पेस्ट हम लोगों ने बना लेना है ग्राइंडर में डालकर, मिक्सी जार में डाल दीजिए और अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद जो छिनी की आटा, बेसन और चावल का जो बैटर है उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो ऑब्जर्व हो चुका है ये जो ओट्स है उसमें और थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से स्मूथ बैटर बना लीजिए। जितना ये भीगेगा ना उतना ही ये स्मूथ डोसा आपको मिलेगा। देख रहे ना कितना अच्छा सा पिस चुका है, इस तरह फाइन बना लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। देखे ना ये ओट्स का बैटर है और हम लोग जो नहीं बेसन और राइस फ्लोर से मिला हुआ मिक्सचर है वो भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बैटर बता रही हो ना ये बहुत ही अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत सुपर्ब है दोस्तों। आपको पता है क्या, ओट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, ब्लैक कोलेस्ट्रॉल या मैंने डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है और बीपी या फिर लो कोलेस्ट्रॉल भी ये लेवल को देखता है, माने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है, वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छा है मैंने कहा है। और इसमें एक जबरदस्त बीटा ग्लूकन है जो फाइबर सॉल्युबल है, माने ये आपको डाइजेशन में तो बहुत बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको स्लिम भी करेगा दोस्तों। तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ प्याज। प्याज को ना बारीक से इस तरह ग्राइंड मत कीजिए, पेस्ट मत बनाइए, जस्ट विप कीजिए ताकि ना इसका जो
ऑनियन का जो क्रंच है डोसा में तो सुपर्ब रहेगा दोस्तों, बच्चे भी ना बहुत पसंद करके खाएंगे। अभी क्या एग्जाम टाइम है बच्चों को, और ऐसे इंस्टेंट ब्रेकफास्ट अब जब दोगे तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, डालने के बाद इसको अच्छे तरह ये मिला रही हूँ। मिलाने के बाद एक 5 मिनट्स के लिए अलग से रख दीजिए, 5 से 10 मिनट्स आप रख दो, तब भी बहुत अच्छा डोसा आपको मिलेगा दोस्तों। इसको ढक्कन लगा दीजिए, अलग से रख लीजिए, ठीक है ना, ये अलग से रख दीजिए। और अब हम लोग बनाएंगे चटनी, चने की दाल की चटनी। चने की दाल की चटनी के लिए हमें चाहिए ये छोटा सा कप का चने की दाल, भिगो लीजिए अच्छे से, धोने के बाद भिगो लीजिए, 5 to 10 मिनट्स काफ़ी है। थोड़े लहसुन डाल दीजिए, लहसुन के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज। रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज कभी भी चटनियों में डालो ना, सुपर टेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। और 1 टेबलस्पून जीरा, बहुत टेस्ट देगा आप, ये जीरा बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ थोड़ी सी इमली, एक टैंगी फ्लेवर के लिए चाहिए। और साथ ही साथ इसमें और डालूंगी 1 टमाटर, वाव रहेगा दोस्तों। एक बार आप ये चीनी की दाल की चटनी बनाओगे ना, कहोगे मुस्कान क्या वाह क्या चटनी बनाया है। तो आप भी सीख लीजिए, और ये इडली डोसा के लिए, चपाती के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तब अभी प्रिपरेशन में जब जाएंगे तो मैं यहाँ पे फल्ली का तेल ले रही हूँ। फल्ली का तेल चटनियों में बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। फल्ली का तेल लीजिए 2 टेबलस्पून, और इसमें जीरा और लहसुन डाल के अच्छे से भून लीजिए। इसके साथ साथ हम लोग रेड चिलीज भी डालेंगे। हाँ, ध्यान रखें अगर आप तीखा कम खाते हो तो इसको रेड चिलीज को और ग्रीन चिलीज को भी कम कर लीजिए। अपने तीखेपन जैसा आप खाते हो उसी तरह आप मिर्ची डाल सकते हो। इस तरह डालने के बाद टैंगी फ्लेवर के लिए टमाटर भी डाल दीजिए। टमाटर को भी अच्छे से ये गलना है। टमाटर जब गल जाएगा इस पे देखिए, अच्छे से इसको भून लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग डालेंगे इसमें नमक। नमक डालकर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब थोड़ी सी इमली डाल दीजिए, जो हम लोगों ने भिगो के रखी है ना, वो इमली डालकर अच्छे से भून लीजिए। भुनने के बाद इसी तेल में से अब जब भुन जाएगा इसको अलग से निकाल कर ठंडे के लिए छोड़ दीजिए। माने ये जब गर्म रहेगा ना, ये पेस्ट नहीं करना, इसको ठंडा होने दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह अलग से निकाल लीजिए, और इसी तेल में हम और थोड़ा तेल डालेंगे, और चने की दाल हम लोग जो भिगो के रखा है ना वो दाल इसमें फ्राई करें। अब देखिए चने की दाल यहाँ पर जब फ्राई करने के लिए आप डालोगे पूरा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ना चने की दाल अच्छे से फ्राई होना है, माने एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी होना है। आपको पता है क्या, एक इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जब फ्राई करोगे इसका अरोमा सुपर्ब रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको अलग से थोड़ा निकाल लीजिए, और नमक मिर्च और चाट मसाला या फिर कोरिएंडर लीव्स भी डालकर अगर आप बच्चों को देंगे टाइम पास के लिए तो फटाफट ये खत्म कर देंगे दोस्तों। अब एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे भी बताइए कि ये कैसा लगा आपको। इस चने की दाल अच्छे से भुनने के बाद फिर इसमें हम लोग डालेंगे नमक मिर्ची और चाट मसाला डाल के आप बच्चों को दीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा। हाँ बता रही हूँ ना, तो ये अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पर चने की दाल अच्छा भुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये अगर चने की दाल रेड नहीं हुआ है तो ये चने की दाल क्रिस्पी क्रिस्पी रहना बहुत जरूरी है। अच्छे से भुनने के बाद ही इसको चने की दाल को निकाल लीजिए। लेने के बाद क्या डालना है, मैं तड़का भी बता रही हूँ आपको, तो तड़का तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। यानी तड़का बहुत इजी है ना, सिर्फ राई जीरा हरे मिर्च थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी हींग डालकर तड़का लगा लीजिए। लेकिन ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैं कभी भी हर दम बताती हूँ तेल थोड़ा कम ही लेना है, एकदम ज़्यादा तेल नहीं लेना है। आप आराम से ये थोड़ा थोड़ा तेल लेकर ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा तेल मत डालिए दोस्तों। तड़के के लिए भी थोड़ा तेल काफ़ी है, ठीक है। तड़का रेडी हो गया है, अभी ये जो इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो गए हैं इसको हम लोग पीसेंगे। अच्छे से फाइन पेस्ट इसका बनाना है दोस्तों, तो ये मिक्सी जार में डाल दीजिए और अच्छे से इसको पेस्ट बना लीजिए। देख रहे ना, वाव रहेगा फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको, ये चटनी तो सुपर्ब रहेगा। अपने फल्ली की चटनी, टमाटर की चटनी, बहुत सारी चटनियाँ तो देखिए, दाल की चटनी आप ट्राई करके देखिए, आप ज़रूर बताएंगे क्या बात है ना। तो ये चने की दाल जो मैंने फ्राई किया है उसको भी इस तरह पेस्ट कर लिया, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो तड़का लगाया है हमने वो तड़का इसमें डाल देंगे। बहुत तेल मत यूज़ कीजिए दोस्तों,
बहुत थोड़ा ही काफी है। अच्छे से मिक्स होने के बाद ये तड़का जो हम लोगों ने बना के रखा है ना वो डाल देंगे, ठीक है। ये गया तड़का चटनी में, बस काफी है। चलिए अब ना हम लोग बनाएंगे डोसा। हमारा जो बैटर है वो रेस्ट हो चुका है, वो बैटर को हम लोग निकालेंगे और फटाफट डोसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, यम्मी 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 चटनी रेडी हो गई है। जब गरम गरम डोसा आएगा तो हम लोग फटाक से चटनी डालकर सुपर्ब खाएंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि ये डोसा हम लोग जो बना रहे हैं इंस्टेंट डोसा, ओट्स वाला घी से बनाइए दोस्तों। और एक टिप बता रहे हूँ, जब भी आप तवे पे घी डालने के बाद थोड़ा आटा डाल दीजिए, गरम होने के बाद उसको निकाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, डोसा आप जब भी ये प्रोसेस पे डालोगे आराम से आएगा, कहीं भी थोड़ा भी नहीं लगेगा दोस्तों। एक टिप आजमा के तो देखिए ना। तो ये माना छोटा सा मैंने ओट्स डोसा बना रही हूँ बच्चों के लिए, इस तरह बनाकर घी से बना लीजिए और इसको उलट पुलट कर लीजिए और थोड़ा घी डालकर गरम गरम डोसा बच्चों को दे दीजिए चटनी के साथ, बहुत एंजॉय करेंगे। और ना ये मैं बता रही हूँ, ये अगर छोटे छोटे नहीं है आप एकदम से बड़ा डोसा भी डाल सकते हो। ये बैटर बिल्कुल सुपर सॉफ्ट डोसा बनेगा दोस्तों, मैं क्रिस्पी नहीं कह रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट डोसा बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी सुपर टेस्टी रहेगा। एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता दीजिए, ये जूसेस दीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा बच्चों के लिए। तो एग्जाम टाइम है ना अभी, तो फटाफट इस तरह डोसा बना दीजिए और बच्चों को भी खिला लीजिए, है ना। तो ये रहा इंस्टेंट ओट्स डोसा और चीनी की दाल की चटनी, कैसा रहा, मस्त है ना, सुपर है ना। देखिए कितना अच्छा सा डोसा आ गया है और सुपर टेस्ट भी है, हेल्दी भी है, और क्या बोलूं। और आपको इंतजार करना पड़ेगा मुस्कान दूसरा वीडियो कब आएगा, है ना। तो ये वीडियो तो आपने देख लिया है, तो प्लीज मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, सुपर रेसिपी है। तो चलिए अब तो मैं चलती हूँ मुस्कान, ठीक है ना, चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।